मेरा नाम अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप ऊपर थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे, आज हम एक और आपके लिए कॉलेज लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यार मैं कॉलेज रिव्यू की सीरीज बना रहा हूं, और क्योंकि जब भी आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आपको देखना चाहिए, सारे कॉलेज सर्च करने चाहिए कौन सा कॉलेज कैसा है, क्योंकि आपके 5 से 20 लाख रुपये वहाँ पे लगने वाले हैं। और अब यार मैं रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग आपको देखनी नहीं होती है, क्योंकि जो अब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है उसका एवरेज पैकेज 13 लाख है, लेकिन उसकी रैंकिंग 80 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप रैंकिंग पे विश्वास ना करें बिल्कुल भी। अब हम अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं LPU कॉलेज की, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जलंधर पंजाब में स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यार 2005 में, ठीक है। जो इसका कैंपस एरिया है वो 600 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है, ठीक है। अब जो इसमें कोर्सेज हैं वो बहुत ही आपको सारे तरह के बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। BSc हुआ आपका, BTech हुआ, लेकिन जो हम बात करेंगे वो BTech की बात करेंगे। अब यार हम इसका एडमिशन देखें तो जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान सा है। आपका 12th के बेसिस पे होता है, एक इसका एग्जाम होता है LPU NEST उसके बेसिस पे होता है, और आपका JEE Mains के बेसिस पे भी इसका एडमिशन होता है। अब स्कॉलरशिप अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। JEE Mains के बेसिस पे अलग से स्कॉलरशिप है, 12th के बेसिस पे अलग से स्कॉलरशिप है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यार यहाँ पे जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम सारे कोर्सेज की ओवरऑल बात करें तो 30,000 बच्चे आपके, प्लस माइनस 30,000 आपके बच्चे यहाँ पे होते हैं पर ईयर, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यार फीस की, तो फीस जो है इसकी यार 1,05,000 के आसपास आपकी पर सेमेस्टर आपकी 1,05,000 के आसपास आपकी पड़ जाती है। अगर हम ओवरऑल फीस की बात करें, अगर हॉस्टल देखें तो हॉस्टल यार प्राइवेट कॉलेज के हर जगह वही होते हैं 85,000 to 95,000, तो उसका एवरेज ले तो 3.5 से 4 लाख आपके लग जाते हैं। तो आपकी अगर ओवरऑल फीस की, ट्यूशन फीस अगर देखें तो 8 से 9 लाख आपकी लग जाती है, और ओवरऑल फीस अगर देखें तो 11 से 12 लाख आपके लग जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर हम और खर्चा मिला लें तो, ठीक है। अब यार यहाँ पे 1,000 से भी ज़्यादा आपके CS में ही बच्चे होते हैं। तो बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट यार आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 42 लगा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से। अब यार एवरेज पैकेज की बात करें तो वो आपका 3 लाख या 3.2 लाख आप मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं यार, क्या होता है ना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है वो आपसे फीस इसीलिए ज़्यादा लेते हैं ताकि आपके लिए कंपनी प्रोवाइड करवा सकें। और यहाँ पे सिर्फ कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन जो सिर्फ 50 to 70 कंपनी होती हैं जो आपको ड्रीम पैकेज प्रोवाइड कराती हैं। अभी ड्रीम पैकेज क्या है? ड्रीम पैकेज यार वो है जिसमें आपको 5 से 10 लाख या उससे ज़्यादा आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो 50 से 70% कंपनीज ही हैं जो आपको ड्रीम पैकेज प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। अब आपको अगर यार ड्रीम पैकेज चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्लास के टॉप 10 to 15 बच्चों में आना होगा, ठीक है। लास्ट में यार अगर हम इसका क्राउड देखें, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट देखें तो उतना अच्छा नहीं है, तो आप अच्छे बच्चों में रहें ताकि आपका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक लगे। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्लेसमेंट स्टेट्स इसका, वहाँ पे चार्ट ग्राफ सब आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो दोस्तों होपफुली मैंने इसी के साथ अपना इस कॉलेज के ऊपर सब कुछ कवर कर दिया होगा। तो चलिए अपना दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। हैव अ सी या गुड डे, बाय।